जिस तरीके से टीआरपी को लेकर जो होड़ लगी हुई थी, चाहे कोई भी चैनल हो, एक दूसरे से जो मतलब टक्कर की बात हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी पर जो गंभीर फर्जीवाड़े का आरोप लगा, वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन डॉक्टर मनीषा वांगर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी तक अर्णब गोस्वामी को लेकर जो बात कही जा रही है, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वहां की जो पुलिस है, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस जो है और महाराष्ट्र की सरकार, उन्हें उजागर करने के लिए चाह रही है, लेकिन यहां क्या लगता है, केंद्र सरकार और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती है? बचाना ही चाहती होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेन बात है कि अगर वो मामला उठा है मुंबई के पुलिस की तरफ से, तो वो उसके निर्णय तक वो जाएंगे, या उनको कोई बहुत मजबूत कारण चाहिए होगा जिसके वजह से तहकीकात कर रहे होंगे, कुछ और भी कार्रवाइयां चल रही होगी जिसके चलते उसको समय लग रहा होगा। लेकिन जब वो मामला उठा है तो उसको निर्णायक स्थिति तक पहुंचाएगी मुंबई पुलिस, ऐसी हमें अपेक्षा है उनसे, और वैसा ही कानून के तौर पर। ये इस सिर्फ आर भारत को ही लेकर नहीं, तो जितने भी मीडिया चैनल्स है, टीवी मीडिया चैनल्स है, उन लोगों के ऊपर एक आचार संहिता जो है जिसकी की बहुत कमी हो गई है। उनको कोई डायरेक्शंस है, सभी कुछ मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से मनमानी करने लगे हैं। और यही नहीं कि जर्नलिस्ट जो और पत्रकारिक मीडिया के अंदर, मीडिया हाउसेस के अंदर लोगों की जो क्या कहते हैं नियति और उनका फेट डिसाइड किया जा रहा है, किसी को हीरो बनाया जा रहा है रातों रात, तो किसी को पूरी तरह से विलन बना के तबाह करने पे तुले हैं, और मीडिया ट्रायल भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग संस्थानों, यही खुद पुलिस बने हैं, यही लोग, यही मीडिया ट्रायल, ये जज बने हैं, ये जजमेंट देते हैं मीडिया हाउस में बैठ के। तो ये जो इस तरह के अपना वाहियातपना जो इन्होंने शुरू किया हुआ है, पिछले कुछ सालों से ज्यादा हुआ है, तो इसके लिए लोगों ने उनको उनके ऊपर दबाव लाना चाहिए। ये नागरिक लोगों की और जो जागरूक लोग हैं और नागरिक है, उनकी जिम्मेवारी है कि इनको ठिकाने लगाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको ठिकाने लगाने के लिए दरअसल यहाँ वहाँ की सरकारें, राज्य सरकारें भी उतनी कामयाब होती है, खासकर अगर उनको लगता है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को लगता है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, अगर वहाँ पर दंगे भड़क सकते हैं, अगर उच्च वर्णीय लोग, दबंग लोग जाकर कमजोर लोगों के ऊपर और अत्याचार कर सकते हैं, ऐसी कोई भी स्थिति बनती है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को पूरी पूरे हक और अधिकार है कि उसके अधिकृत जो मशीनरी है और पुलिस है उसका उपयोग करे ऐसे लोगों के ऊपर, लेकिन करते नहीं है। लेकिन वो पूरी, इसका मतलब जो मिस्टर केजरीवाल बैठा हुआ है दिल्ली में और यूपी सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं, उनका सब लोगों का संरक्षण है, वरना उद्धव ठाकरे जो वहां पर बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में, उनके अधिकृत में जितना भी आया वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके जनता को, उनके राज्य की जनता को अगर तकलीफ होगी तो जायज है कि वह उसके ऊपर आक्षेप उठाया जाएगा, और पूरे कानून, अलग अलग कानून है उसके लिए मौजूद, तो उसका उसका कोई भी उपयोग केजरीवाल नहीं कर रहे, योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहे हैं इसको ठिकाने पे लाने के लिए। और ठिकाने पे लाने के लिए फिर उद्धव ठाकरे जैसे लोग चाहिए। अगर अर्णब गोस्वामी में हिम्मत है, अगर उसमें हिमाकत है, कोई उसमें दम है किसी तरह का इतना जो चिल्लाता है वो, तो उसने जिस तरह से कोरोना के समय में कहाँ हो उद्धव तुम, कहाँ हो उद्धव तुम, ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाता था, तो आज जो उसमें दम है, उसके हाथों में दम है, जहां पर भी दम चाहिए वहां दम है, तो उसको पूछना चाहिए कि कहाँ हो योगी तुम, तुम्हारे राज्य में, बलरामपुर में हो रहा है हाथरस के बाद में 10 लड़कियों के ऊपर जघन्य अपराध हुए और अपराधी फरार है और अपराधियों के पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। अरे उद्धव, अरे योगी तुम जात और वर्ण के ऊपर उठो, तुम राजनीति के ऊपर उठो, ऐसे करके अर्णब ने उनको ललकारना चाहिए था और उनकी इस्तीफा की मांग करनी थी, तब हम मानते थे कि भाई अर्णब में कोई दम है,
तो ये 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 तो कोई बात ही नहीं हुई। ये इसका मतलब ये है कि ये प्रायोजित तरीके से, साजिशन तरीके से इन लोगों को वहां पर बिठाया गया है। ये अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार ये मुद्दे उठाते हैं और उनको छुपाते हैं। लेकिन ये इतना 100% बात समझ में आ गई है कि ये सिर्फ हम लोगों ने प्रश्न या पूछ के क्या हम अलग हो जाना चाहिए, या सिर्फ सवाल उठा के हम जैसे लोग जो है, जिनको आप हम बुलाते हैं चैनल पे चर्चा के लिए, क्या हमने सिर्फ सवाल खड़ा करके और प्रश्न पूछ के चुप बैठ जाना चाहिए कि हमारे लोगों को भी कोई दिशा निर्देश देनी चाहिए? तो इस पक्ष में, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो वहां जिनका वहां पर जिनके मीडिया हाउसेस में, उनके मीडिया हाउसेस है वहां पर, जिस समाज का प्रतिनिधित्व भी नहीं है, जहां पर उनके बारे में लिखने वाले लोग भी वही है, और मुसलमानों के का मुद्दा आया तो लिखने वाले ही ब्राह्मण सवर्ण है, शेड्यूल कास्टों का आया, एससी लोगों का आया, किसी भी तबके का आया, लिखने वाले उच्च वर्ण सवर्ण है, न तुम्हारे पत्रकार है, न तुम्हारे लिखने वाला, न एडिटोरियल है, तुम्हारे भविष्य के ऊपर, तुम्हारे नियति के ऊपर और तुम्हारे पे हिंसा होगी कि नहीं होगी, तुम बचोगे कि नहीं बचोगे, सबका निर्णय लेने वाले ये बैठे हुए हैं वहां पर। तो इसके बारे में लोगों के बीच में ये एक मंथन होना चाहिए कि कब तक हम लोगों ने ऐसी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर जहां पे हमारे लोगों की नुमाइंदी नहीं है, वो संस्था हमारी है ही नहीं। मतलब आज की तारीख में मीडिया उच्च वर्ण सवर्ण लोगों के हाथ में होने की वजह से उनका मीडिया है, ये हम उसको अपना मीडिया नहीं बोल सकते हैं। और यही वजह है कि इस बहुत ही ज्यादा घृणित तरीके से इनके काम हो रहे हैं। और यही वजह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने इस देश के मीडिया को सबसे निचली पायदान में रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ है? उसमें क्या बहुजनों की भागीदारी है इस मीडिया में? नहीं है। तो वो हमारी गलती नहीं है कि ये यहाँ का मीडिया इतना गंदा निचली स्तर पे जाके बैठा हुआ, उसके लिए जिम्मेवार वो लोग बैठे हैं जो जिनकी नुमाइंदगी वहां पर है। तो यह हमको दूसरी बात हमको कहना, और यह हमारी जिम्मेवारी नहीं है उनके मीडिया को बचाने की, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, और इसलिए उनको टीआरपी देने की जिम्मेवारी भी हमारी नहीं है, क्योंकि वो बातें हमारे खिलाफ जाती है, हमारे लोग दंगे में फंसते हैं, हमारे लोगों के ऊपर अपराध होते हैं। तीसरी बात यह है कि जो अल्पसंख्यक लोग जो है, माइनॉरिटी जो लोग है और बहुजन लोग जो है, उन लोगों को समझ देना चाहिए कि उनका मीडिया, चाहे अर्नब का हो या चाहे एनडीटीवी आज तक वाला हो, वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, और वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं इसलिए उनके मीडिया को देखना ना देखना, इसके ऊपर पूरी तरह से छानबीन होके निर्णय लेना चाहिए, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर निर्णय लेना चाहिए कि इनको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दें। मैं तो कई सालों से कहती आ रही हूँ कि ब्राह्मण बनिया मीडिया को बहिष्कृत कर देना चाहिए। आज तमाम तरीके की चीजें सोशल मीडिया से लोगों को जान पड़ रही है। दूसरी बात है, ये टीवी चैनल वाले आजकल वो लीड कहाँ से लेते हैं? वो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पे जो चलती है, वही लोग उठा के ये चलाते हैं और उसको ट्विस्ट करके उसका भड़काऊ बनाते हैं, उसको हिंसक बनाते हैं, उसको बहुत ज्यादा वल्गर बनाते हैं, ये वही काम करते हैं। तो इनका जो क्या कहते हैं उसको, इनकी रिसर्च टीम है, ये क्या समाज के अंदर बैठी हुई है क्या? समाज से इनको कोई सरोकार है क्या? अगर होता तो उनको बलरामपुर की चीज सोशल मीडिया पे चलने के पहले पता चल जानी चाहिए थी। वहां पर ऊना कांड कार्यकर्ता लोगों को पहले पता चला, बाद में मीडिया चैनल दिल्ली में बैठे मीडिया चैनल्स के। तो दिल्ली में बैठे मीडिया चैनल, उच्च वर्णीय मीडिया चैनल, सेक्युलर हो या उग्रपंथी हो, सारे के सारे एक जैसे हैं। और हम लोग जो बहुसंख्यक और माइनॉरिटी के मुसलमान, सिख, ईसाई लोग जो है, लगातार इन लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते चले आ रहे हैं और इनके ऊपर दया दिखाते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी ये बंद कर देना चाहिए। ना ही केवल सिर्फ इन हम लोगों के प्रोटेस्ट जो मूवमेंट्स है, अगर वहां पर सवर्ण, उच्च वर्ण सवर्ण लोग हाथरस में जाके तख्ती उठा के वो ग्राम पंचायत को और खाप पंचायत को और पुलिस के स्टेशन को घेराव कर सकते, क्या बहुजन के लोग और मुसलमान और अल्पसंख्यक लोग क्या इनके मीडिया हाउसेस का घेराव नहीं कर सकते? इन लोगों को राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, दोनों स्तर पर इनको सबक सिखाना होगा। और तीसरा सबक इनको मीडिया के क्षेत्र में सिखाना होगा कि वो पूरी की पूरी तरह से एजेंसी
बहुजनों ने अपने हाथ में लेनी चाहिए और इन लोगों के मीडिया चैनल का बिल्कुल से बहिष्कार कर देना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे तरीके से आपने बारीकी से अपने सभी बातों को रखा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा आपके खत्म करने से पहले। आपने एक चीज गौर किया हुआ होगा, खासतौर से अगर हम बात करते हैं, अभी हाल के दिनों की बात करते हैं, खासतौर से 2020 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सामाजिक मुद्दे उठाने वाले, ठीक है, सवाल उठाने वाले लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। जैसे कि जब CAA वाला जो मामला हो रहा था, तो आपने एक चीज देखा, जो उस मामले से जुड़े हुए थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी बात रखी, ठीक है, समाज को बचाने के लिए, ठीक है, अपने कदम आगे बढ़ाए, उनको जेलों में डाल दिया गया। और क्या कह के डाला गया कि इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की। यही सेम चीज हाथरस में भी अपनाई गई, वहां पे जिन लोगों ने पीड़िता के पक्ष में अपनी आवाज उठाई, वहां पर पहुंचे, उन्हें वीडियो फुटेज के आधार पे, वो वीडियो फुटेज जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, उन फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे संविधान में तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप किसी फुटेज के हिसाब आधार पे किसी को गिरफ्तार कर लो। अब वहां पे, यहाँ पे एक चीज आती है कि जैसे कोई लोकल नेता है, ठीक है, उसकी किसी से दुश्मनी है, अब उसने देख लिया कि ये बंदा आया, भले वो अकेले आया, फुटेज में दिख गया, लगा दिया आरोप। कितना लगा दिया? 50 लाख, ठीक है, आपने 50 लाख की तोड़फोड़ की। अब टूटा क्या? भले टूटा हो, एक लकड़ी टूट गई हो, उसमें भी 50 लाख का लगा दिया, लेकिन ऐसा भाई क्या है, किस चीज के आप पैसे वसूल कर रहे हो? दूसरी चीज, अब अगर मामला उठा, मतलब ये लोग उठाते हैं, ये चैनल वाले, ठीक है, तो ये मामला भी सभी को उठाना चाहिए। जैसे कि जो निजीकरण वाली बात चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है निजीकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी जॉब्स की, जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेरी पूरी बात तो सुनिएगा, मैं यहाँ पे जो बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे चीज ये भी होनी चाहिए कि इन्होंने उसमें, आपने देखा होगा उस टाइम चली थी, ये चीज बोली गई थी कि जो रेलवे की जो जमीन है, स्टेशन के आसपास में पड़ी हुई जो जमीनें हैं, ठीक है, उनपे मॉल्स बनेंगे, ठीक है, और मॉल्स को कौन चलाएगा? वो कंपनियां चलाएंगी जो मतलब रेलवे को ठेके पे ले रही है। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर आप देश की कोई जमीन, मतलब हमारी जमीन आप किराए पे ले रहे हो, ठीक है, आप पैसा स्टेशन का दे रहे हो, ठीक है, और वहां पे मॉल बना रहे हो अपना, वो पैसा कौन देगा? सवाल तो ये भी है ना, ये तो किसी ने उठाया ही नहीं है, ठीक है, क्यों? इसमें TRP नहीं मिलने वाली है। दूसरी एक चीज है, वहां पे अब क्या हटाया जाएगा? अब यहाँ पे आप देखिए, वहां पे अब कौन रहता है? खासतौर से हम रेलवे स्टेशन की बात करें, ठीक है, फुटपाथ की बात करें, ठीक है, झुग्गियों की बात करें, जो रेलवे मतलब जो रेलवे पट्टी होती है उसके किनारे, वहां पे कौन रहता है? गरीब तबका रहता है, ठीक है, उसको हटाने की बात हो रही है, उसको वहां से हटा दिया जाएगा, उसको कहाँ पे बसाया जाएगा? ठीक है, आप निजीकरण तो कर दोगे, लेकिन निजीकरण में सवाल ये आता है कि एक 50 रुपए, मतलब दिन भर में 100 रुपए कमाने वाला, 100 से 150 रुपए कमाने वाला, क्या 500 का टिकट खरीद पाएगा? क्या एक नॉर्मल दुकान, एक चाय की ठेली पे चाय पीने वाला बंदा मॉल में जाके कॉफी या चाय पी पाएगा? इस पे कभी भी अर्णब गोस्वामी के चैनल द्वारा ये नहीं पूछी गई कि मोदी जी पूछता है भारत क्यों किया जा रहा है देश का निजीकरण? क्या एक आम बंदे को आप चाय पिला पाएंगे? क्या आम बंदे को आप रोजगार दे पाएंगे? क्या आप दलित और शोषित वर्गों के साथ में न्याय कर पाएंगे? क्या देश में इतने जो मतलब SC ST केस के जो मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो दुष्कर्म के मामले पड़े हुए हैं, उनपे ऐसा नहीं हो सकता है? जैसे कि अगर हम लॉकडाउन की बात करें, तो काफी समय तक कोर्ट जो था वो खाली बैठा हुआ था, ठीक है, कोर्ट कहता है कि इस मसले के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी लॉकडाउन में तो सारी मतलब सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम, खासतौर से अगर मैं मीडिया में देखूं, इसमें भी चल रहा है, हर चीज में चल रहा है, ठीक है, वही हमारा कोर्ट में भी चल रहा है, तो कोर्ट में उन मसलों को क्यों नहीं सुलझाया गया? सरकारी वकील भी खाली बैठे हुए थे, सरकारी जज भी खाली बैठे हुए थे, तो उन मसलों को क्यों नहीं लाया गया और उन मसलों को इस दौरान क्यों नहीं सुलझाया गया? इस पे सवाल किसी चैनल ने क्यों नहीं उठाया गया? और इस पे जो सामाजिक संगठन है, खासतौर से सामाजिक संगठन और पार्टियों की भी मैं शामिल कर लेता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, किसी ने इस चीज को लेके आज तक सरकार के ऊपर, जो मौजूदा सरकार है, इसके ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाया?
इन चीजों पे किसी की नजर नहीं जाती, क्योंकि मतलब वही है कि इससे किसी कंपनी का पीआर नहीं होगा, और दूसरी एक चीज है चैनल इस चीज को इसलिए नहीं उठाते क्योंकि इससे उनकी टीआरपी नहीं बढ़ने वाली है। दूसरी यहाँ पे मैं एक चीज आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, खासतौर से अभी मैम आपने कुछ देर पहले एक बात बोली थी कि मतलब लिखने वाले भी उन्हीं के हैं, ठीक है, एजेंडा क्या सेट करना है वो भी उन्हीं को सेट करना है, चाहे वो मामला किसी के भी साथ कोई घटना घटित हो रही हो, जो भी करना है वो सवर्ण वर्ग के लोगों को ही करना है। तो यहाँ पे एक चीज है कि जब मैं एक मीडिया संस्थान में काम कर रहा था तो एक खबर थी जिसमें मैंने एक किताब से, अजीत कौर की एक किताब थी, उससे कोट कर दिया था, जिसमें एक मतलब कोट केवल इतना लाइन किया हुआ था कि मतलब हमारे कुछ ऐसे देवी देवता भी हुए हैं जो नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े लेकर भाग जाया करते थे और वो लज्जा से शर्माकर पेड़ के पीछे छुप जाया करती थी। तो वो नीति जो है वो आज तक फॉलो हो रही है। आज क्या हो रहा है कि दलित और शोषित वर्ग की जो बालिकाएं हैं, जो लोग हैं, उनके साथ में उनकी रोजी को छीन के, उनकी इज्जत आबरू छीन के ये लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, तानाकसी करते हैं टीवी चैनल पे बैठ के, और जो एंकर होते हैं वो उनसे उसी तरीके के बलगत सवाल बोलते हैं। इस पे कभी भी इस तरीके की कमेटी की बात नहीं की गई कि इस तरीके का जो बलगत कंटेंट है वो ना परोसा जाए। दूसरी एक चीज है कि आजकल टीवी पे अगर खासतौर से बात करते हैं कि टीवी पर भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर अभी कह सकते हैं कि कोई लगाम नहीं है, उसमें भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो कंटेंट चला वो यही चल रहा है कि उसमें जब कभी अगर मान लिया कि रेप की कहानी दिखाई जाएगी तो उसमें भी जो पीड़िता होगी वो हमेशा दलित ही क्यों होती है, सवाल तो ये है। कभी भी उसमें ये नहीं दिखाया जाता है कि मतलब कि जो मतलब कोई सीरियल है, ठीक है, कोई सीरीज है, उसमें कभी भी ये नहीं दिखाया जाता कि दुष्कर्म है, ठीक है, वो कभी मतलब सवर्ण वर्ग की उसके साथ में हुआ। ज्यादातर यही लिया जाता है कि अगर मतलब किसी के साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो जिस पीड़ित के साथ में अन्याय हुआ है उसको हमेशा पिछड़े वर्ग का ही दिखाया जाता है। सवाल इन पे भी उठाने की जरूरत है, और इसके लिए जब तक हम खुल के सामने नहीं आएंगे तब तक कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी आवाज को बुलंद करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके चाहूंगी कि मैं शान मोहम्मद जी से अग्री करती हूँ कि अभी मीडिया हाउसेस में, क्योंकि इस एक ही वर्ग के लोगों का, एक ही छोटे से 3% लोगों का अगर एकाधिकार हो जाता है तो वो पूरी तरह से वो आपा खो देते हैं। उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होता, ना मॉरल नैतिक रेगुलेशन है, ना सामाजिक रेगुलेशन है, उनको मालूम है। और क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से, कोई सरोकार नहीं होने की वजह से वो बिल्कुल जैसे मदमस्त हाथी या कोई जानवर की तरह हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य बात है कि इन मीडिया हाउसेस में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो नाम की चीज है वो पूरी तरह से खत्म है। तहकीकात करना, पता करना, मतलब न्याय प्रक्रिया और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया के भी परे जाकर, सामाजिक प्रक्रिया और वहां के, खासकर मीडिया ने तो किसके पक्ष में रहना चाहिए, जो दबा कुचला है, जो आधारहीन है, जो कमजोर है, जो मजलूम है, उसके हक में रहने के लिए मीडिया है। अगर उसके हक में मीडिया नहीं है तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक और बाकी के संस्थान अपना काम करती रहेंगी, इनका क्या, इनकी क्या जरूरत है वहां पर? सिर्फ क्या आज ये घटना घटित हुई सिर्फ इतना बताने के लिए थोड़ी ना है न्यूज। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, एनालिटिकल जर्नलिज्म है, और मुद्दे को छानबीन है, उसका मंथन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस ऐसा देखा गया है कि हथरस का मामला हो या कोरोना के इसमें हो, लिटरली मतलब वहां पर इन्होंने जाकर पता करना चाहिए था कि जो चार लड़के हैं और जो आरोपी है उनका समाज के लोग एक्चुअली में क्या सोचते हैं, उनके उनके घरों में जाना चाहिए था, कैमरा लेके उनके घरों में जाना चाहिए था कि कौन सी मानसिकता में पड़े हुए लोग हैं वो, कौन सी मानसिकता से पड़े हुए बच्चे हैं वो चार जो जिन्होंने आरोप किया है, जिन्होंने ये गंदा काम किया। तो ये वहां पर जाने के लिए जाना चाहिए और दोनों पक्ष को देखकर एक 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 आधार बनाना चाहिए। वह भी नहीं, तहकीकात भी नहीं, पर्दे के पीछे जाके पूछने की वाली बात भी नहीं। स्टिंग ऑपरेशंस, किस कैसे स्टिंग ऑपरेशंस, कि जिसमें
निम्न वर्ग के लोगों को या जो इनके राजनीतिक पक्ष के इसमें नहीं है उनके ही लोगों को झूठी न्यूज फेक न्यूज चला के उनको बदनाम किया जाए। और फेक न्यूज का तो एक भारी बहुत भारी भक्कम इंडस्ट्री पैदा कर दी इन्होंने पूरी तरह से, एक पूरी तरह से मीडिया मीडिया के अंदर में एक बहुत बड़ी फील्ड हो गई जिसको कि आज पढ़ा जा रहा है, जिसको कि ये किया जा रहा है, उसके पोषक कौन है, यही लोग हैं। तो प्रशांत कनौजिया जैसे लोग और भी कई पत्रकार हैं जो अपने सादिक जो केरला के, वह हथरस का पता करने के लिए छानबीन करने के लिए केरला से जाते हैं तो उनको पकड़ा जाता है और उनको उनके ऊपर NSA है, और जिन्होंने वहां पर रेप किया, जिन्होंने बलात्कार की तक जघन्य अपराध किया उनके ऊपर ना, और खाप पंचायत के ऊपर NSA लगाना चाहिए दरअसल देखा जाए वहां पर तो, और उच्च वर्णीय सवर्ण लोगों ने जिनके समर्थन में उन्होंने रैलियां निकाली उनके ऊपर लगाना चाहिए NSA कि ये कितनी अमानवीय चीज है। तो इस तरह की बातें हो रही है और ये पूरा का पूरा मानसिक प्रिपरेशन ये जो है, और महिलाओं का भी, उच्च सवर्ण महिलाओं का भी मानसिक प्रिपरेशन यही लोग करते हैं, और इसी तरह से बातें फिर बढ़ती जाती है और समाज इतना ज्यादा क्रूर बनता चला जा रहा है उसके लिए मीडिया जिम्मेवार है, खास मतलब ये वाला इनका बामन बनिया वाला मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बात रखा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से मीडिया जो कवरेज कर रही है और लगातार लगातार आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से वहां पर खाप पंचायत करके और आरोपी को जो है बचाने की कोशिश की जा रही है, इस पर मीडिया ही जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वक्त बहुत हो गया है और इस कार्यक्रम में मतलब हमारे खास दो मेहमान थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारी के अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मीडिया जिस तरीके से काम कर रही है, TRP खरीद रही है, इस पर जांच हो और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं इस पर कार्रवाई हो। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना।